तो हम बात करते हैं आज आपके सामने कि किसी डेटा को एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाने कैसे बनाएंगे, कैसे सोचेंगे। तो जैसे कि आपको सबसे पहले डेटा समझना है, हम पावर बीआई पे हैं तो डेटा समझना है। ये आपके सामने डेटा जो कि लास्ट टाइम मैंने शेयर किया, ये डेटा क्या है? ये डेटा एक सेल्स का डेटा है जिसमें कई साल का डेटा है। यहाँ पे देख सकते हैं कई साल का डेटा है, आई थिंक 4 साल के आसपास का डेटा है, 2 साल ठीक है। तो इसके अंदर बताया गया है किस स्टोर से किस सेल्स ऑफिसर ने, सेल्स की आईडी क्या है, कितनी क्वांटिटी किस रेट से कितने का बेचा है, उस पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है और कितने रुपए की प्रॉफिट की गई है, कौन सा प्रोडक्ट बेचा गया है और उस प्रोडक्ट को बेचने का टारगेट क्या था। जैसे जो जो भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, 15 ट्रांजेक्शन कस्टमर से बातचीत शुरू हुआ तो टारगेट रखा गया कि इसको 78 हमें बेच देना है, बट क्रैक जो हुआ 68 ही हुआ। आप समझे, हर एक जो सेल्स लीड जनरेट होती है हर लीड का एक टारगेट डिसाइड किया गया। तो मुझे इसको, इस डेटा को एक एनालिसिस के रूप में हमें देना है अपने बॉस, ठीक है। और दूसरी चीज, आपने बैकग्राउंड जो लिया था ना, आपने बैकग्राउंड लिया था, देखिए बैकग्राउंड आप ले सकते हैं, लेकिन जब बैकग्राउंड आप लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, किसी जितने भी टेबल्स बनाते हैं उस सारे टेबल्स की कलर को चेंज करना पड़ जाए, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसलिए हम सबको बोलते हैं कि कलर, बैकग्राउंड कलर लेना अवॉइड करें, जरूरी हो तो लीजिए अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। और किसी भी रिपोर्ट्स में सबसे पहले आता है स्टेटिक्स, मतलब कि हाइलाइट्स, कि जरूरी नहीं है कि हमें देखना है कि एक एक देखना है कि इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या है, पहले हम टोटल ओवरऑल टोटल देखेंगे ना। तो सबसे पहले हम ओवरऑल टोटल निकालेंगे, राइट। तो एक काम करता हूं कि मैं अपना जो बैकग्राउंड कैनवस का जो इसका जो कैनवस बैकग्राउंड या वॉलपेपर में जाके हम एक ग्रे वाला ऑप्शन ले लें, ठीक है ना। अब यहां से मैंने लिया, मुझे क्या लेने हैं, अपने टोटल्स लेने। तो सबसे पहले मैं यहां पे देता हूं भाई टोटल क्वांटिटी क्या सेल, ठीक है। एक ले लेता हूं यहाँ, सम ऑफ द क्वांटिटी है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, आगे सिखाएंगे आपको। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते ताकि साइड में रहे, हाँ। फिर अगेन हमने कार्ड लिया, इसको लिया हमने, लेने के बाद यहां से हम क्वांटिटी की जगह पे हमें चाहिए टोटल रेवेन्यू, क्या चाहिए, रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है, रेवेन्यू के बाद मुझे क्या करना है कि टोटल प्रॉफिट कितनी जनरेट, ठीक है, इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो ये आपका 112 मिलियन का सेल है और 61 मिलियन का प्रॉफिट है, ओके समझ गए। तो ये हाइलाइट्स हो गए। उसके बाद यहां मुझे टोटल बिलिंग कितना हुआ, बिल कितना हुआ वो चाहिए, तो यहाँ पे हमने रख दिया, ये अपनी जो आईडी है आईडी को रख दिया। और इसको काउंट के जगह पे क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट, मतलब यूनिक काउंट, यूनिकॉर्न ठीक है। और काउंट ऑफ आईडी है उसको हम यहाँ पे जाते हैं जनरल में टाइप, यहाँ पे अभी यहाँ क्या है, नीचे वाला हटाना पड़ेगा, ऊपर वाला भी रख सकते, वो अपना खुद का चाहिए क्योंकि लेबल को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके तो हम क्या, हमने हमें दो, या तो मैं अपना आईडी चेंज कर दूं, नेम आईडी की जगह पे बिल कर दूं, ओके हाँ, या फिर यहाँ ऑफ कर दीजिए और यहाँ पे टाइटल को ऑन कर दीजिए और टाइटल में जो लिखना है लिख दीजिए कि टोटल
बिल टोटल बिल जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे मुझे सेम टोटल प्रोडक्ट चाहिए कि हमारा आखिर टोटल प्रोडक्ट कितना है। इसके लिए हमने प्रोडक्ट वाले कॉलम को यहां रखा, तो यहां पे हम काउंट क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट, इसकी तो टोटल 7 प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है, अच्छा दिख रहा है ना सर। हाँ चलो यहां पे मैं अपना ईयरली जो है ये देना चाहता हूं, स्लाइसर देना चाहता हूं, तो ये आपको फिल्टर का निशान दिख रहा है, इस पे मैंने अपना ईयर निकाल के रख दिया, तो इस तरह से कुछ आया, लेकिन मुझे टाइल्स के रूप में चाहिए, तो स्लाइसर सेटिंग में यहाँ आते हैं, तो वो आता है ऑप्शंस में, हमने यहाँ पे कर दिया टाइल, और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दिया, ठीक है। फिर साथ में मंथ भी चाहिए हमें, तो सेम स्लाइसर लेते हैं, यहां पर रखते हैं, और यहां पे अपना मंथ जो होगा यहां पे कैलकुलेटेड है, मंथ रख दिया, और स्लाइसर सेटिंग में इसको भी टाइल कर देते हैं, ठीक है। Okay? अब मुझे यहां पे अपने टोटल डेटा चाहिए, मुझे यहां पे डेटा चाहिए, तो मैं यहां पे अपना जो पूरा का पूरा डेटा है ना, टेबल जो है, इसी टेबल को शो करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं टेबल ले लिया और इसको लेके यहां तक ले लिया, तो मुझे यहां पे क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे यहां आईडी रख दिया मैंने, तो आईडी का काउंट आया, तो काउंट के जगह पे डॉन्ट समराइज कर देता हूं, तो पूरा आईडी आ जाएगा। फिर इसके बाद हम डेट देते हैं, तो डेट पूरा आ गया। अब डेट में हेरिकल है, मुझे हेरिकल नहीं चाहिए, ठीक है सर। हेरिकल समझते हैं कि ईयर को अलग कर दिया, मंथ को अलग कर दिया, क्वार्टर अलग कर दिया, डे अलग कर दिया, मुझे एज अ डेट की तरह चाहिए। फिर मुझे चाहिए अपना प्रोडक्ट, फिर मुझे चाहिए प्रोडक्ट की क्वांटिटी, फिर मुझे चाहिए इसका रेट एमआरपी, फिर चाहिए इसका अमाउंट, फिर मुझे चाहिए इस पे प्रॉफिट परसेंटेज, फिर चाहिए इसका प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद चाहिए स्टोर, इसके बाद इसका टारगेट नहीं, एक मिनट, क्वांटिटी आ गया, साथ में मुझे अपना टारगेट भी रखना है इसी, ताकि कंपेयरिंग हो सके ना, यहाँ इससे 25 था, 55 में से 25 क्वांटिटी हो रहा है, तो इजली देख सके यहीं पे प्रॉफिट परसेंटेज इतना है, तो प्रॉफिट अमाउंट इतना है। तो डेटा सही से नहीं होता, लेकिन जब हम डेटा देख रहे हैं तो हम क्या देखेंगे उसके हिसाब से अरेंज करना, ठीक है। फिर मैं स्टोर लेते हैं, फिर हम एसओ लेते हैं, सेल्स ऑफिस, ठीक है। अब इसमें ईयर और मंथ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये ऊपर फिल्टर है, ये आ गया ओवरऑल डेटा। अब मुझे यहां पे कुछ स्टैटिक्स चाहिए, क्या चाहिए, स्टैटिक्स, हाँ। तो स्टैटिक्स में यहां सबसे पहले तो मैं प्रोडक्ट वाइज अपन टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट के हिसाब से चाहिए मुझे, तो प्रोडक्ट वाइज टोटल प्रॉफिट अमाउंट रख देता हूँ, वो नहीं प्रॉफिट, प्रोडक्ट वाइज टोटल क्वांटिटी, इसका टारगेट, इसका अमाउंट और इसका प्रॉफिट, नहीं प्रॉफिट तो फिर आएगा नहीं ना, अच्छा टारगेट हटा देता हूँ, टारगेट हटा एंड यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट आ जाए,
जो जरूरत है रखिए, जो जरूरत नहीं उसको नहीं रखिए। ठीक है जी सर। उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपने स्टोर की बाइक चाहिए मुझे, पर यहाँ पे टेबल लेता हूँ। अब यहाँ पे अपना स्टोर और टोटल क्वांटिटी सम ऑफ, इसमें टारगेट भी चाहिए मुझे, अपना टारगेट और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है चाहिए। ठीक है ये देखिए, अब एक रिपोर्ट कितना दिख रहा है, अब यहाँ पे ओवरऑल क्वांटिटी दिख रहा है मुझे। अब मान लीजिए मुझे 2020 का चाहिए, तो 2020 पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये तो मुझे यहाँ पे पूरा 2020 का डेटा आ जाएगा, पूरा चेंजेस ऊपर 2020 के अकॉर्डिंग पूरे स्टेटिक्स आ गए कि टोटल 2562 बिल जनरेट हुए हैं, 16 मिलियन की प्रॉफिट है, 32 मिलियन का सेल है, 129 के का क्वांटिटी है, 7 प्रोडक्ट इसके अंदर सेल हुए हैं। अगर हम प्रोडक्ट वाइज देखें तो प्रोडक्ट वाइज हर प्रोडक्ट का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है और हर स्टोर का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है इस 2020 के अकॉर्डिंग। अब 2020 में मुझे चाहिए जैन, तो जैन पे क्लिक किया तो आपका देखेंगे जैन बाय जैन। अब बोलेंगे सर ये मंथ जो है जैन फेब के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो ये क्या, इसका रीजन ये है बता दूं आपको, क्योंकि तो इसके अंदर जो हमने जैन फेब निकला हुआ है ना सर टेक्स्ट में, इसको वो अल्फाबेटिक ही सॉर्ट कर रहा है, वो आपके इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे केसेस में हम जो है मंथ हटा के अपना जो डेट है ना उस डेट को यहाँ रखते हैं, और डेट को रखने के बाद यहाँ पे इसको कर देते हैं हरकल, हरकल कर दिए। अब इसमें ईयर हटा देते हैं, क्वार्टर हटा देते हैं, डे हटा देते हैं। अब देखिए जनवरी से जुलाई आ रहा है, आगे भी है, ऐसा नहीं जुलाई तक आगे भी है। ठीक है जी सर। तो इस तरह से हेरिकल कर सकते हैं। ठीक है तो जनवरी पे क्लिक किया तो पूरा रिपोर्ट जनवरी अकॉर्डिंग हो, 217 बिल है, हम मुझे बिल देखना है, तो इस तरह से एक एक बिल को हम यहाँ देख सकते हैं, टोटल 217 बिल है ना। फरवरी पे क्लिक किया तो फरवरी में देखिए 203 बिल है, 203 यहाँ दिख सकता है और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग डेटा है। समझ में आया, 203 नहीं 236 सर, ये सीरियल नंबर नहीं है, ये बिलिंग आईडी है। आप समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो अब एक आपका डेटा है, अब इस डेटा से क्लियरिटी यहाँ पे विजुलाइज हो रहा है ना कि हमने टोटल, हमने यहाँ पे टोटल हमने स्टैटिक्स निकाला हुआ है, यहाँ पे मेरा डेटा है, यहाँ पे अपने समरीज हैं, हम यहाँ पे क्लिक करके डिफरेंट डिफरेंट केपीआई के अकॉर्डिंग रिपोर्ट को देख सकते। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या नहीं बताया था, सिर्फ स्लाइसर नहीं बताया था, बाकी चीज तो बता रखा था मैंने आपको। क्या ये ऊपर वाले पर देख रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये स्लाइसर ही है ना, ये भी स्लाइसर ही है, ये दोनों स्लाइसर ही तो है, दो स्लाइसर लगा रखा है। ठीक है, अब बोले सर ऐसा क्यों, मतलब कि मैंने स्लाइसर नहीं बताया फिर काम दे दिया, ऐसा क्यों? अब इसके पीछे एक रीजन है। देखिए रीजन ये है कि जब आप काम करने के लिए बैठेंगे, आपके पास जो चैलेंजेस आएंगे, रिपोर्ट्स आएंगे बनने के लिए, क्या लग रहा है कि आपके पास वही रिपोर्ट आएंगे जो जो जितना आता है उतना से ही रिपोर्ट आए? कई बार ऐसे हो सकते हैं ना, कुछ ऐसा काम आ जाए जिसमें ऐसी चीज यूज करना हो जो आपको ना आता हो, दैट टाइम क्या बोलेंगे कि सर सुधीर सर ने नहीं सिखाया था इसलिए हम ये नहीं बना के देंगे, अपने बॉस क्या बोलिएगा? नहीं ना,
रिसर्च कीजिएगा, R&D कीजिएगा, कीजिएगा। तो इसलिए हम आपको उस चीज के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। कई बार जितना हर दिन जो कुछ देंगे उसमें कुछ ना कुछ आगे का भी होगा, मतलब आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें बनानी है। अगर आती है तो फटाफट बनाइए, नहीं आती है तो डू रिसर्च, रिसर्च कीजिए देन नहीं। और जो मैंने आपको डेटा प्रोवाइड किया था उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको एक रिपोर्ट बनानी थी। मुझे आपको टेबल नहीं बनवाना था कि आप बता के देखिए आपको टेबल बनाने आता है कि नहीं आता। ये तो सिंपल है, कोई टेबल बनाना कोई बड़ी बात है? सिंपल है सर, बट मैं लेकिन उसी टेबल को उसी हाँ उसी टेबल को मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया तो हम लगा ना कि हाँ कि एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट इससे पहले लग रहा था कि रिपोर्ट है। हेलो जी सर। अब चलिए इसी पे हम आपको एक और रिपोर्ट देते हैं। अब आपको कंफ्यूजन हो कि मैं क्या बनाऊं कैसे बनाऊं तो उसके में आप गूगल की सहारा ले सकते हैं। गूगल में आप सिंपल सा लिखिए पावर बीआई डैशबोर्ड, ठीक है, और इमेज पे चले जाइए। यहां पे आपको बहुत सारे पावर बीआई से बने बनाए फॉर्मेट मिल जाएगा। आप देखिए कौन सा फॉर्मेट आप बना सकते हैं, जो बना सकते हैं आप बनाइए। दिख रहा है सर? इस तरह की रिपोर्ट बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं सर, ट्राई कर। अब चलिए इसमें कुछ चीजें हैं बताते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड दिख रहा है? बैकग्राउंड कैसे तैयार किया जाए? ऐसे केसेस के लिए आप पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना? बोलेंगे सर पेंट, मैं बताता हूं, पेंट या एक्सेल का भी इस्तेमाल, एक्सेल तो आता नहीं है, चलिए पेंट पे करते हैं, ठीक है। बड़ा करते हैं इसको, रिपोर्ट फॉर्मेट है, ठीक है, और एक्सेल नहीं कर देंगे? नहीं, ये पेंट है ना, पेंट आता है ना? पेंट में तो ये बैकग्राउंड सेव करके वहां पर, हाँ मैं वहां बता रहा हूँ, वही चीज समझा रहा हूँ ना आपको, बस आसानी रहेगी। वाइट लेते हैं यहाँ पे, और लाइनिंग करते हैं। और ही ले ली तो दिक्कत नहीं। कंट्रोल से प्रेस करेंगे ना तो पूरा सीधा होगा। कंट्रोल प्लस ड्रैग ना सर, थोड़ा सा पेंटिंग मेरी खराब है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है क्या ना सर, हमारे जमाने में पेंटिंग क्लास नहीं हुआ करती थी।
है। अब व्हाइट कलर लीजिए यहाँ से, सॉरी गैप है क्या सकते हैं? यहाँ यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से लेना है, और हाँ गैप में ही है। अब यहाँ पे मैं अपना लिखना चाहते थे यहीं पे लिख देते, सॉरी ब्लू से लिखना है। करते हैं बोल्ड कर दे, ठीक है। और यहां पे लोगो लगा दीजिए, कॉपी ऐसे कॉपी करके हर पेज पे। छोटा कीजिए, ज्यादा छोटा हो गया। सर काम एक्सेल में करते हैं सर जी, एक्सेल में बड़ा आसानी से होता है। सेम कलर में मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, एक्सेल में कर लेते थे अभी तो कर लेंगे। ठीक है, और अच्छा हो सकता था, लेकिन मान लीजिए इस तरह से है। उसके बाद इसको यहाँ से सेव कर लीजिए, सेव करके बीजी और यहाँ पे करके क्लोज कीजिए। पावर बी खोलिए, नए विंडो पे जाइए, यहाँ पे कैनवास वॉलपेपर पिक्चर पे आइए, नई पिक्चर्स आई ये भी ले सकते हैं, दिख रहा है आपको सर? और आती है ना जी थी जी, ये दिख रहा है आपको? ये भी बनाया हुआ है सेम से ही, जैसे इसी को लेते हैं। ठीक है, फिलहाल हो गया जी। अब ये देखिए सही नहीं दिख रहा है, तो नॉर्मल के जगह पे कर दीजिए फिट, तो हो गया। इसे जो करना है कीजिए आगे, समझे कि नहीं? हो गया सर। हाँ, और मैंने जो बनाया था ये रहा, लीजिए नॉर्मल के जगह पे कीजिए फिट, ठीक है। वो अच्छा ओके, पूरे मिनिमाइज कर। हाँ ठीक है, अब ऐसे कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ठीक है, वॉलपेपर में ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि दिक्कत है, तो ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम ज्यादा इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके आगे पेपर बनना शुरू कीजिए, ठीक है। इसके बाद पिक्चर्स वगैरह आपको ऐड करने हैं, जो पिक्चर्स थी ना आइकन्स वगैरह ऐड करने हैं, ये आप यहाँ इंसर्ट के अंदर या इमेज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या इसके इंसर्ट में या बहुत सारे आइकन्स हैं, इसको आप ले सकते हैं। ये तो पूरा आपका ही है, वो कभी स्क्रीन शॉट लेते हैं तो सेव हो जाता है।
यहाँ पे क्यू टू आई हमने लिया एंड ओपन कर दिया, यहाँ से हमने इसको छोटा किया और यहाँ रखा। यहाँ पे रखने से पहले हम क्या करेंगे, पार्ट लेंगे, पार्ट लिए, पार्ट के अंदर टोटल क्वांटिटी लिखे, ठीक है ना। अब इसको ले आके इसके ऊपर फिट कर देते हैं, ठीक है। तो बैंड भी कर सकते सर, बैक और फ्रंट क्या वो इमेज को बैक और फ्रंट। हाँ, यहाँ से फॉर्मेट, यहाँ फॉर्मेट के अंदर जाइएगा ना, तो यहाँ पे सेंड बैकवर्ड, ठीक है। ग्रुप भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके। तो डेटा सेम भेजा हुआ है, कुछ बुलाइए, ठीक है।